प्रणाम हाय खुशामुद्दीन, मैं तो अधूरा आप सबके बिन। आप देख रहे हैं सत्य भाई चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले ऐसे पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है, वह बागी 3। काफी दिनों से इंतजार था इस पिक्चर का, काफी अच्छा ट्रेलर था, काफी अच्छा ट्रेलर में प्रेजेंटेशन था, उसी तरह काफी इंतजार के बाद इस पिक्चर रिलीज हुई है बागी 3। जैसल बागी पार्ट 1 पार्ट 2 उसके बाद अभी बागी 3। बागी पार्ट 1 और पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, इस पिक्चर में थोड़ा अलग है कि एक बंदा जो है पूरे सीधा देश में भारी पड़ता है, ऐसा स्टोरी की कहानी है। जैसल इस पिक्चर में आपको टाइगर श्रॉफ ही देखने को मिलेगा जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में, और इनके एक बड़े भाई के रोल कर रहे हैं जो रितेश देशमुख, और हीरोइन के रोल कर दिए शारदा कपूर। जैसे पिक्चर के डायरेक्टर जो है अहमद खान, पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके बाद अभी पार्ट 3। जैसे पिक्चर जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऐसा नहीं है, जैसे पिक्चर थोड़ा अलग है, जैसे ऐसा लगता है कि पिक्चर सिर्फ टाइगर श्रॉफ के लिए निकाला गया है, जैसे पिक्चर के लिए पिक्चर नहीं निकाला गया, बस हीरो के लिए पिक्चर निकाला गया है। आपको शुरुआत से लेकर एंड तक बस फाइट 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 ही देखने को मिलता है। जैसे इस तरह है कहानी की, दरअसल रितेश देशमुख जो है पुलिस ऑफिसर होते हैं और थोड़े डरपोक होते हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो भाग अपने भाई को पुकार लेते हैं और भाई आगे हाजिर हो जाते हैं और भाई लड़ते हैं, और जो है टाइगर श्रॉफ और जो हमारे शारदा कपूर जी एकदम लोकल भाषा बात करती है, मुंबई लोकल भाषा, थोड़ा वल्गर भाषा बात करती है, और इसी तरह पिक्चर में चलता है। और रितेश देशमुख जाते हैं सीरिया देश में ऑफिशियल पर्पस से, और वहां पे जब उनको कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है और उन्हें फोन में बातें करते करते हुए प्रॉब्लम हो जाता है और लड़ाई हो जाती है, दुश्मन घुस जाते हैं जो उसमें विलन के रोल कर रहे हैं, विलन जो है हमारे और जयदीप अलवत जो इस पिक्चर में विलन के रोल कर रहे हैं, और जो जाके अपने हीरो के बड़े भाई पे टूट पड़ते हैं और उन्हें हैरान करते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना देते हैं, और फिर इस तरह जो जाते हैं हमारे जो टाइगर श्रॉफ सीधे इंडिया से लेके सीधा जाते हैं और पूरे सीधा देश में भारी पड़ जाते हैं। जबकि इस तरह है कि चाहे गोली मारो तो हीरो पे लगता नहीं है, या तो फिर बमबारिंग भी करो फायरिंग टाइम में तो भी उन्हें लगता नहीं है, हेलीकॉप्टर से भी बम डालते हैं तो भी उन्हें कुछ लगता नहीं है। हाँ, अगर ये एक ही मार में चार को मार गिराते हैं, ये इस पिक्चर की खासियत है, ये देखने को मिलेगा आपको। मैं पहले कह चुका हूँ जैसे पिक्चर के लिए नहीं निकाला गया पिक्चर, बल्कि हीरो के लिए निकाला गया ये पिक्चर। पूरी पिक्चर शुरुआत से लेकर हीरो मारते हैं और सब बाकी सब जितने भी लोग हैं मार खाते हैं और मार खाते ही हैं, बस पिक्चर के लिए दिखाया गया। जैसल इस पिक्चर की खासियत जो है सबसे ज्यादा मेहनत अगर इस पिक्चर में कोई किया है वो है हमारे जो डायरेक्टर जो स्टंट मास्टर जो कहते हैं जो स्टंट करते हैं पिक्चर में हीरो को सिखाते हैं, उन्होंने काफी मेहनत की है और हीरो ने जो मेहनत की अपनी स्टंट के लिए बॉडी दिखाने के लिए और फाइट करने के लिए, बाकी कुछ खास नहीं है। बस डायरेक्टर ने क्या सोच के पिक्चर निकाला नहीं मालूम, बस इतने बड़े बैनर में फॉक्स स्टार स्टूडियो और नडियानवाला सन्स में पिक्चर के बैनर में पिक्चर रिलीज हुई है। बस आप फाइट सीन देखना चाहते हैं, फाइट देखना पसंद करते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई स्टोरी लेके जाएंगे, कहानी सोच के जाएंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, बस कुछ खास नहीं है। गाने तो काफी अच्छा है, ठीक है, देखने लायक है और सुनने लायक भी है। पिक्चर अच्छा है, देखते हैं अभी बॉक्स ऑफिस में कैसे पैसे जमा पाती है इन 3 दिनों में और आने वाले दिनों में। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भाई चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स भी साथ में कीजिएगा पिक्चर देख के। टिल देन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।